स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आप देख आपको इमेज देख के ही पूरा पता चल गया हो किस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। करीना कपूर इस शेयर की एडवर्टाइजिंग कर रही है दोस्तों इस कंपनी की, और ये इस कंपनी का नाम है बर्जर पेंट, और ये कंपनी पेंट सेक्टर में काम करती है। और देख सकते हो ग्लैमर नहीं केयरिंग भी है, तो ये बैक्टीरिया से भी आपको प्रोटेक्शन देता है ये पेंट, पोल्यूशन रिड्यूसेस, फॉर्मल डाइट, ये अलग अलग इनके बेनिफिट्स बताते हैं। मगर ये पूरा केमिकल ही है दोस्तों, साइंटिफिक वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, तो ये वाटर प्रूफिंग भी करते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट, इंटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर वॉल कोटिंग, डू इट यूर सेल्फ, एक्सटीरियर टेक्सचर, मेटल फिनिश, वुड फिनिश, ग्लास फिनिश, अंडर कोट्स, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, तो ये इनके सभी प्रोडक्ट्स है दोस्तों। और इनका अच्छा खासा बिजनेस पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है इनका दोस्तों। और देख सकते हो ये कंपनी अभी थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर एंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन डेकोरेटिव पेंट में है दोस्तों। थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर है ये कंपनी, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन डेकोरेटिव पेंट्स। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, गोवा, जम्मू कश्मीर। दे हैव टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट डू पॉन्ट परफॉर्मेंस, तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम करती है। निप्पॉन पेंट एरिया ऑटोमोटिव कोटिंग, निप्पॉन पेंट इनका ऑटोमोटिव में काम करता है दोस्तों। और इनके आउट ऑफ इंडिया भी प्लांट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, पाउडर कोटिंग। द कंपनी ऑल्सो हैज ज्वाइंट वेंचर विथ निप्पॉन बी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोटिंग एंड प्लास्टिक, तो इनका ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों इन लोगों के साथ। और आप देख सकते हो इनके ऑल ओवर इंडिया में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और दो इनके नेपाल में, और वन ईच इन पोलैंड एंड रशिया में एक एक इनका प्लांट है दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू है 6,365 करोड़, आप यूएस डॉलर में देखोगे तो 850 मिलियन यूएस डॉलर में है। तो ये कंपनी अच्छा खासा अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुकी है, और इसने लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे भी दिया है अपने शेयर होल्डर को ये, और ये आगे भी देगा दोस्तों ये शेयर। आप अभी एशियन पेंट से कंपेयर करोगे तो बहुत अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक, आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे, 63,767 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी का। ये लार्ज कैप कंपनी है और इसका फेस वैल्यू ये, फ्यूचर में स्प्लिट तो नहीं बोनस दे सकती है ये कंपनी। और अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, प्रमोटर के पास देखिए 74.99%, 75% का इन्होंने सेबी का रूल की वजह से 25% बेचा है, नहीं तो ये 100% अपने ही पास रखते क्या पता। और एफ आई आई देखिए 11% एफ आई आई है, 3.4% डी आई आई है, और पब्लिक देखिए 10% पब्लिक के पास बचा है, बाकी पूरा एफ आई आई डी आई आई और प्रमोटर के पास ही है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के फाइनेंशियल पे, आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्राफ ऊपर 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 ही जा रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में इन्होंने 6,817 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली जंप है दोस्तों, आपको इस शेयर में कोविड का भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों। इस शेयर ने 725 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों। और रिजर्व देखिए कंपनी के पास 3,279 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल है अभी 2021 में, और 19 से देख सकते हो आप कंटिन्यूअसली रिजर्व भी बढ़ाती जा रही है कंपनी अपनी। और इसकी पीयर्स कंपनियाँ देखिए, एशियन पेंट, कंसाइन एरोलैक, एक्जो नोबल, इंडिगो पेंट, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो ये सेकेंड नंबर की कंपनी है दोस्तों। एशियन पेंट बहुत आगे है इससे, 2,93,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एशियन पेंट का, और उसके बाद बर्जर पेंट आता है 63,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, मगर इसको ये एक ही शेयर टक्कर दे सकता है दोस्तों बड़े पैमाने पे, अदरवाइज बाकी सभी शेयर स्मॉल कैप कंपनियां हैं, कंसाइन एरोलैक, एक्जो नोबल, इन सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक कर दोगे तो भी एशियन पेंट के जितना नहीं होगा दोस्तों। एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, आप एशियन पेंट के साथ भी जा सकते हो, अदरवाइज बर्जर पेंट के साथ भी जा सकते हो, ये दोनों कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है दोस्तों। और देख सकते हो अभी आप इस शेयर का प्राइस चल रहा है 656 रुपीज़, इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है दोस्तों। इसका 52 वीक लो है 620 रुपीज़, और 52 वीक हाई 872 रुपीज़, ये 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है इसमें। पिछले 1 मंथ में ये शेयर 8% डाउन चल रहा है दोस्तों, और पिछले 6 महीने में आप देख सकते हो 18% की गिरावट दिख रही है आपको इस शेयर में। ये शेयर गिरा था, बाद में थोड़ा रिकवर करके फिर से गिर चुका है दोस्तों, और 1 साल पहले जिसने भी खरीदा है वो भी अभी 14% की गिरावट में ही, उसका शेयर 14% करेक्ट हो चुका है, 14% की लॉस में ही है दोस्तों ये शेयर अभी। और 5 सालों में देखोगे तो 164% की रिटर्न दिखाई दे रहा है, ऐसे तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न बनाया है दोस्तों। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में इसने अभी तक 37,800% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए, तो ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला शेयर है दोस्तों। आपको थोड़ा स्लो दिखेगा मगर ये जरूर बढ़ेगा आगे, आगे जाके ये और अच्छे रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। तो ऐसे शेयर ढूंढिए और इस गिरावट में उसका बेनिफिट लीजिए और उसे में इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पेंट का बिजनेस है दोस्तों ये, इसमें तो खराब होने वाली चीज़ है ही नहीं कोई, और ये आपको लगने ही वाला है क्योंकि घर तो बनाने वाले ही है लोग, और घर बनाया भी नहीं तो आपको कुछ प्रोग्राम रहता है तभी आप पेंट लगाते हो।
पेंट नया घर बनता है तब भी पेंट लगता है, पुराने घर को भी आप थोड़ा आपको डल दिख रहा है तो आप उसमें भी पेंट लगाते हो, तो ये बिजनेस चलते ही रहने वाला है, ये बिजनेस सालों से और चल रहा है और चलते ही रहने वाला है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और